हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पीएम केयर्स फंड में अगर आप कोई पैसा डोनेट करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स के अंदर आपको 100% डिडक्शन मिलता है और इसके लिए हमें फाइल करना है शेड्यूल 80G। अब कोई भी डोनेशन का अमाउंट जब आप क्लेम करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके पास उस डोनेशन की रिसिट हो। तो जब भी आप किसी को डोनेट करें और ऐसा डोनेशन जिस पर कि आपको इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिलने वाला है, तो इस तरह के डोनेशन की आप रिसिट जरूर लें और इंसिस्ट करें सामने वाले व्यक्ति को कि वो आपको रिसिट जरूर दे। क्योंकि जब हम डिडक्शन क्लेम करते हैं और हम शेड्यूल 80G को भरते हैं तो वहां पर हमें काफी सारी इंफॉर्मेशंस देनी होती हैं और वो इंफॉर्मेशंस हमें उस रिसिट से ही मिलती हैं। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी की सैलरी से डिडक्शन का अमाउंट कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है और उनके पास रिसिट नहीं होती है। इस वजह से वो अपने सैलरी के अमाउंट से डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिना रिसिट के हम वहां पर इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं कर सकते हैं जो कि बहुत जरूरी है शेड्यूल 80G को भरने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि आपको ITR 1 में 80G को कैसे फिल करना है और इसके लिए आपके पास रिसिट जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न समरी पर आ जाना है। यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है और मैंने रिटर्न समरी ओपन कर ली है। यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म्ड कर दिया है, ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म्ड कर दिया है। ग्रॉस टोटल इनकम में मैंने 5 लाख रुपए की सैलरी डाल दी है जिस पर कि 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया और हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 4,50,000 की आ गई। ये इनकम इमेजिनरी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब हम आते हैं डिडक्शंस के कॉलम पर और डिडक्शंस के कॉलम में ही आपको 80G का शेड्यूल मिलेगा। सबसे पहले हम आरओ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डिडक्शंस की लिस्ट शुरू हो जाती है और यहाँ पर सबसे पहले ही आपको मिलता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। यस पर जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे एक आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाता है, डोनेशन शेड्यूल फॉर सेक्शन 80G इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। आपको सेक्शन 80G शेड्यूल फिल करना पड़ेगा अगर आप डोनेशन क्लेम करना चाहते हैं। अब आपको ये शेड्यूल इस पेज पर नहीं मिलेगा, आपको नीचे बिल्कुल आ जाना है और यहाँ पर आपको इस वाले पेज को कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आता है वेरीफाई योर डिडक्शंस। वेरीफाई योर डिडक्शंस में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है शेड्यूल 80G डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। यहाँ पर एड 80G पर क्लिक करेंगे और ये आपका शेड्यूल यहाँ से ओपन हो गया है। अब इसे आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डोनेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका डोनेशन 100% डिडक्शन वाला है, 50% डिडक्शन वाला है, 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन नोटिफाई किए गए हैं कि कहाँ पर आपको 50% डिडक्शन मिलेगा और कहाँ पर आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। अब जो पीएम केयर्स फंड है वो हमारा 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर आता है। तो अगर आपने पीएम केयर्स फंड में कोई भी डोनेशन दिया है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सब में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस क्वालिफाई किए गए हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे कहाँ पर आपको 100% डिडक्शन मिलता है और कहाँ पर आपको 50% डिडक्शन मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट करिएगा अगर आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपसे काफी सारी इंफॉर्मेशंस पूछेगा ये और ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको अपनी रिसिट से ही मिलेंगी। सबसे पहले है पैन ऑफ डोनी। डोनी कौन है? पीएम केयर्स फंड जिसको कि आप डोनेशन दे रहे हैं वो आपका डोनी है। आपको यहाँ पर उसका पैन नंबर देना है। इसके बाद नेम ऑफ डोनी आपको अपनी रिसिट से मिल जाएगा। एड्रेस देना है, सिटी टाउन देना है, पिन कोड देना है। इसके बाद आता है डोनेशन का अमाउंट। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है कि डोनेशन आपने कैश में कितना दिया और दूसरा है कि अदर मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपने कितना डोनेशन दिया है। तो अगर कैश की बात करें तो कैश के लिए यहाँ पर 2000 रुपए की लिमिट है। अगर आपने 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन कैश में दिया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2000 रुपए डालते हैं कि हमने 2000 रुपए कैश में डोनेशन दिया तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेता है, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशंस 2000 यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर हमने 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन दे दिया है कैश में, 3000 कर देंगे,
तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशंस यहाँ पर नील हो गया। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन आप कैश में देंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद है डोनेशन इन अदर मोड। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए हैं तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाता है। एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन हो गया है 10,000 रुपीज। और यहाँ पे इसको निल कर देते हैं, कैश में हमने नहीं किया है, हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया है, तो यहाँ पर 10,000 रुपए का डिडक्शन आ गया और इसको आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर हम कुछ इमेजिनरी फिगर्स डाल देते हैं जिससे कि हमारा डोनेशन यहाँ एक्सेप्ट हो जाए। हमने नेम ऑफ डोनी में डाल दिया है पीएम केयर्स फंड, पैन नंबर हमने ऐसे ही डाला है, ये किसी और का है, पीएम केयर्स फंड का नहीं है ये। इसके बाद एड्रेस और पिन कोड हमने डाल दिया है और 10,000 रुपीज यहाँ पर हमने डोनेशन ले लिया है, इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आपने सेव पर क्लिक किया तो ये इस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है, पैन ऑफ डोनी, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, क्वालिफाइंग लिमिट, डोनेशन इंटाइटल्ड 100% और यहाँ पर डोनेशन इन कैश में यहाँ 0 लिखा हुआ है और डोनेशन फ्रॉम अदर मोड में 10,000 लिखा हुआ है। इस तरह से ये शेड्यूल पूरा फिल हो गया है और इसमें नीचे आकर आप इसे एड पर क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पर आपका शेड्यूल 80G फिल हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है डोनेशंस एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 10,000 रुपीज। इसे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसमें नीचे आएंगे और इसे कंफर्म कर देंगे। अब हम रिटर्न समरी पर आ गए हैं और यहाँ पर टोटल डिडक्शंस में 10,000 रुपीज आ गए हैं डिडक्शंस के और ये आपकी ITR इस तरह से कंप्लीट हो गई है। 80G का शेड्यूल आपने फिल कर लिया है। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 80G का शेड्यूल फिल करना है। पीएम केयर्स फंड में अगर कोई भी आपने डोनेशन दिया है तो वो 100% डिडक्शन के लिए क्वालिफाई है विदाउट एनी लिमिट्स। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।